आती जाती हर एक धड़कन। हेलो गाइस, तो नमस्कार, फिर से स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। मैं हूं गणेश और आप देख रहे हैं मस्ट डटू। आप ऐसा वीडियो कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल से, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से साइन मस्ट डाउनलोड कर लेना है। साइन मस्ट ओपन करने के बाद आपको जो भी आप रेशियो सेलेक्ट करना चाहते हैं वो रेशियो सेलेक्ट करना है, कर लेना है। और उसके बाद आपको वाइट या वाइट बैकग्राउंड ले लेना है। जितना आपका स्टेटस है इतना बैकग्राउंड ड्रैग करके लंबा कर देना है। उसके बाद आप क्या करना है, ऑडियो ले लेना है या फिर आपका आप किसी भी गाने को ले सकते हैं। गाने को लेके यहाँ पे आप वो ऑडियो ले सकते हैं, ऑडियो गाने का ऑडियो बना सकते हैं इसके अंदर ही, कैनवास के अंदर ही। तो इतना किसी का बैकग्राउंड लंबा इसको मैं ट्रिम करके कट कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सिंपल लेयर पे क्लिक करना है और टेक्स्ट पे क्लिक करना है। कोई भी एक कीवर्ड आपको ले लेना है, चलिए मैं कोई भी कीवर्ड ले लेता हूँ। कीवर्ड लेने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस कीवर्ड को जितना आपका ऑडियो है या जितना बैकग्राउंड है उतना इसको लंबा कर देना है ट्रैक करके, क्योंकि बाद में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ गाने का लिरिक्स चेंज हो रहा वहाँ वहाँ भी कट लगा देंगे। तो मैं सिंपल तरीका इसको अपने हिसाब से सेटिंग कर लेता हूँ। और सिंपल आपको फॉन्ट पे क्लिक करना है, इसकी फॉन्ट चेंज कर देनी है और कलर भी आपको ब्लैक कर देना है। इसकी फॉन्ट आप काइन मास्टर के अंदर से ही ऐड कर सकते हैं। देवनागरी नाम की फॉन्ट है, उसके अंदर आपको अलग अलग प्रकार की फॉन्ट मिल जाएगी। तो देवनागरी इसके अंदर मैंने फॉन्ट पहले से ऐड कर रखी है। अब ऊपर प्लस का आइकन दिख रहा है, उसको क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको अपने साथ सेटिंग कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। इसके बाद आप क्या करना है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वो डाउनलोड कर लेना है। या फिर यदि वो डाउनलोड नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक आगे और तरीका दिखाऊंगा। उस लिंक को ले लेना है, उस वीडियो उसके अंदर ये ले लेना है। ले के यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन कर लेना है और फुल स्क्रीन करके ब्लेंडिंग में जाना है। ब्लेंडिंग में जाके आपको स्क्रीन कर देना है। ये सिंपल तरीका है वीडियो के अंदर, अरे सॉरी, नाम के अंदर कलर ग्रेडिंग करने का। ये सिंपल तरीका है, नीचे ब्लेंडिंग लिखा हुआ देखिए और स्क्रीन कर देना, सिंपल तरीका है ये। देखिए इसके अंदर कलर ग्रेडिंग हो चुकी है। यदि आप ये नहीं करना चाहते तो सिंपल तरीका है, लेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको चार लाइन अलग अलग कलर की खींच देनी है। तो थोड़ा छोटा है इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। सिंपल तरीके चार लाइन ऐसे आपको खींच देनी है अलग अलग कलर की, सिंपल तरीका है। इस लाइन को आपको अपने हिसाब से सेटिंग कर देना है, जितना टैक्सेस है उस टैक्सेस के हिसाब से सेटिंग कर देना है। उसके बाद इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन आपको दे देना है। तो चलिए सबसे पहले इन एनिमेशन दे देते हैं। ड्रॉ बाई स्ट्रोक ये दे देना है और स्पीड आपको कम ज़्यादा अपने हिसाब से करके रख देनी है। और इसके बाद है एक अंदर एनिमेशन, इसमें क्लिप कर ये वाला एनिमेशन आपको दे देना है। इसके बाद आप क्या करना है, सिंपल तरीके इसको लाइन को ब्लेंडिंग कर देना है तो आपका गाना सही तरीके से बन जाएगा। नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे लिखा हुआ ब्लेंडिंग और इसको स्क्रीन कर देना है। ये सिंपल तरीका है, जैसा आप साथ चाहेंगे वैसा आप ज़्यादा टाइम लेंगे तो आप जितना अच्छा बना सकते हैं। जहाँ जहाँ पर आपने कट लगाया वहाँ पर आप अलग अलग एनिमेशन भी दे सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई एडिटिंग पर और वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं।